नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। बच्चों आज हम करेंगे कुछ नए शब्दों का परिचय, ठीक है। नवीन शब्दानाम परिचय यानी नए शब्दों का परिचय। संस्कृत भाषा को समझने के लिए कुछ ऐसे संस्कृत शब्दों को आपको जानना है जिनका प्रयोग हम दैनिक कार्यों में करते हैं, ठीक है। पुष्पाणि यानी अनेक फूल, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। पुष्पम एक फूल होता है, पुष्पे दो फूल होता है, पुष्पाणि अनेक फूल। तो इसमें अलग अलग तरह के जो फूल होते हैं उनके नाम संस्कृत में क्या होते हैं वो आप जान लीजिए, ठीक है। गंधराज है यानी गुलाब का फूल, गंधराज है गुलाब। शतपत्री वो भी गुलाब होता है, तो गुलाब को संस्कृत में क्या बोलते हैं, गंधराज या शतपत्री। गंधराज यानी उसकी जो गंध होती है, खुशबू होती है, वो बहुत अच्छी होती है। शतपत्री यानी शो पत्तों वाला, ठीक है। उसके कम से कम 100 पत्ते होते हैं, इसलिए शतपत्री। कमलम यानी कमल, कमल को क्या बोलोगे, कमलम। और कुमुद का जो फूल होता है उसको कुमुदम, क्या बोलोगे, कुमुदम। हर सिंगार का जो फूल होता है उसको बोलेंगे पारी जातम, पारी जातम हर सिंगार। सूरजमुखी को बोलेंगे सूर्यावती, क्योंकि वो सूर्य की तरफ उसका मुख होता है, इसलिए सूर्यावती। नेक्स्ट है सुदर्शना यानी लिली, लिली का फूल जो होता है उसको हम कहते हैं सुदर्शना। फिर है बेला, बेला का जो पौधा पुष्प होता है उसको बोलते हैं मल्लिका, क्या बोलते हैं, मल्लिका। नेक्स्ट है फलानी यानी फलों के नाम, आम्रमम फल राजा है यानी फलों का राजा आम होता है, तो आम को क्या बोलते हैं, आम्रमम। कदली फलम केला, रोज़ यूज़ में लाते हो ना, तो अब से उसको कदली फलम बोल के आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नारिकेल है, नारिकेल है क्या होता है, नारियल, है ना। फिर है अनार को क्या बोलोगे, दाढ़ीमम, अनार दाढ़ीमम, और नारियल नारिकेल है। फिर है नारंगम, नारंगम नारंगी, नारंगम क्या होता है, नारंगी। और सेवम सेव, सेवम सेव। फिर है अंगूर को क्या बोलोगे, द्राक्षा फलम, द्राक्ष, द्राक्ष होता है अंगूर, द्राक्षा फलम अंगूर। बिल्वम बेल का फल। मधुर जंबीरम मुसम्बी, मधुर जंबीरम मुसम्बी होती है, और नारंगम नारंगी होती है। दृढ़ बीजम अमरूद, अमरूद के बीज दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए दृढ़ बीजम। जम्बूहू, जम्बूहू क्या होता है बच्चों, यहाँ कटा हुआ है, ये बुक थोड़ी फटी हुई है। जम्बूहू यानी जामुन, जामुन छोटा मुँह, ठीक है, जामुन। जम्बीर है मातुलिंगम, जम्बीर है और मातुलिंगम क्या होता है, नींबू, क्या होता है, नींबू, ठीक है। और फिर है वृक्षों के नाम, तो जो फिफ्थ वाले जो बच्चे हैं उनकी तो ये बुक में है, उनको तो ये याद करने हैं, ठीक है ना। उनके पेज नंबर 23 से लेकर 23 से स्टार्ट है, तो मैं आज आपको दूंगी 24 तक, 23 और 24 आपको लर्न करना है, ठीक है। और जो फोर्थ वाले बच्चे हैं उनको ये लिखना है और लिख करके याद करना है, ठीक है। वृक्षा यानी पेड़ों के नाम, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है बच्चों, अपनी जो विशेष होती हैं, विश जो होती है, कामनाएं जो होती है, इच्छाएं जो होती हैं, उनको पूरा करने वाला पेड़ होता है। ये स्वर्ग लोक में भगवान इंद्र के पास होता है ना। कल्प वृक्ष है यानी कामनाओं को पूरा करने वाला पेड़, इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़। और कहते हैं बच्चों अपना मन जो होता है वो भी एक कल्प वृक्ष होता है, हम अपने मन में जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, वो निश्चिति पूरी होती है। अश्वस्त, अश्वस्त यानी पीपल, है ना, पीपल देखे है ना आपने, उसको क्या बोलते हैं, अश्वस्त। अर्जुन है, अर्जुन का पेड़ होता है, वटह बरगद, वटह बरगद जो आपका बैनियन ट्री जो होता है। अक्षोट है, अखरोट का पेड़, अक्षोट है अखरोट का पेड़, अखरोट। निम्ब है नीम, निम्ब है नीम, यहाँ तक आपको लिख करके याद करना। सर्वनाम सह
बताया हुआ है, वह एक के लिए आता है, तौ वे दो ते वे सब, ठीक है। एषः, एषः का अर्थ भी क्या होता है, यह एक के लिए, ठीक है। एषः यह एक, एतौ ये दो, एते ये सब। सा वह एक लड़की के लिए, ये देखो मैं सारा इसीलिए आपको रिटर्न में दिखा रही हूँ कि आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी सही नहीं करते हैं, बहुत कम सही करते हैं आप, ठीक है ना। ते वे दो लड़कियाँ, ताहा वे सब लड़कियाँ, तो पुल्लिंग का तो कौन सा हो गया, ये देखिए ऊपर वाला, सह तौ ते, और स्त्रीलिंग का सा ते ताहा, ठीक है। और एषः एतौ एते, ये पुल्लिंग के लिए है, ठीक है। और स्त्रीलिंग का एषा एते एतः, समझ में आ गया, दोनों को साथ लेकर पढ़िए, सह तौ ते, सह तौ ते पुल्लिंग का, सा ते ताहा स्त्रीलिंग का, ठीक है। फिर पुल्लिंग का एतत का देखेंगे, एषः एतौ एते, एषः एतौ एते, ये पुल्लिंग का हो गया एतत का रूप, ठीक है। और स्त्रीलिंग का एषा एते एतः, एषा एते एतः, ये किसका हो गया, स्त्रीलिंग का। इनके अर्थ इनके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तत् वह एक नपुंसक के लिए, तत् यानी वह, वहाँ वह पुस्तक है, तत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम नपुंसक लिंग के लिए, एतत् भी यह एक नपुंसक के लिए, यह पुस्तक है, अर्थात मेरे हाथ में अगर पुस्तक है तो क्या बोलूँगी, एतत् पुस्तकम, और दूर पड़ी है तो तत् पुस्तकम, ठीक है। ते वे दो नपुंसक के लिए, एते ये दो नपुंसक के लिए, लेकिन ते का दूर के लिए, और एते पास के लिए, यानी ते, ते वो दूर पड़ी है, देखो ते पुस्तके, ते पुस्तके इस तरह है, वे दो पुस्तक है और मेरे पास में पुस्तक है, दो पुस्तके हैं मेरे पास में, ठीक है, दो पुस्तके हैं, तो एते पुस्तके इस तरह है, एते पुस्तके इस तरह है, अब मेरे हाथ में नहीं है, दूर है, तो ते पुस्तके इस तरह है, वो दूर है, दूर के लिए, ठीक है। और दूर के लिए एक, एक पुस्तक के लिए तत् पुस्तकम, क्या करोगे, तत् पुस्तकम दूर के लिए, और पास में अगर पुस्तक है एक है तो एतत् पुस्तकम, है ना, कोई भी वस्तु के लिए, नपुंसक लिंग चीज़ के लिए, ठीक है। एतत् फलम, एतत् जलम, एतत् नेत्रम, कोई भी, ठीक है। और दूर के लिए तत्, और वे दो के लिए ते और एते। तानी वे सब, तानी पुस्तकानी, तानी पुस्तकानी वे पुस्तकें रखी है, तानी पुस्तकानी बहुत सारी पुस्तकें, एतानी ये सब, एतानी पुस्तकें सब मेरे पास में पड़ी हैं पुस्तकें, तो क्या आएगा, एतानी, ठीक है, एतानी पुस्तकानी सन्ति, एतानी पुस्तकानी सन्ति, तानी पुस्तकानी सन्ति, तानी फलानी सन्ति, ठीक है। तानी कोई भी पुष्पाणि संति, वे सब पुष्प हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा शायद, हो गया प्रथम पुरुष का, ठीक है। सह तौ ते प्रथम पुरुष का सर्वनाम होता है, ठीक है, और वो सर्वनाम प्रथम पुरुष, ये देखिए ये मध्यम पुरुष का सर्वनाम है, ठीक है। मध्यम पुरुष की क्रिया तो क्या आएगी, प्रथम पुरुष की क्रिया क्या आती है ये बताइए आप मुझे पहले, प्रथम पुरुष की क्रिया क्या आती है, पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, सह पठति सा पठति, ठीक है। तौ पठतः या ते पठतः, ताहा पठन्ति या ते पठन्ति, और मध्यम पुरुष की क्रिया कौन सी आती है, पठसी पठतः पठत, ठीक है। लेकिन मध्यम पुरुष के सर्वनाम, मध्यम कौन होता है, सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं, आप मेरे मध्यम पुरुष हो, आप मेरे में बोलती हूँ ना तुम, यू है ना, इंग्लिश में यू, उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, तो संस्कृत में त्वम, त्वम यानी तुम, वह मध्यम पुरुष का है, युवाम तुम दो, युवाम तुम दो, ये अर्थ आपको लिखने हैं,
यूयम तुम सब, यूयम तुम सब, ठीक है, यूयम तुम सब। जैसे त्वम पठसी, त्वम गच्छसी, त्वम चलसी, है ना, तुम पढ़ते हो, तुम जाते हो, तुम चलते हो, त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो, त्वम खादसी, तुम खाते हो, त्वम नर्तसी, तुम नाचते हो, ऐसे समझ में आ गई। फिर युवाम तुम दो, तो युवाम पठतः, युवाम पठतः, थ नहीं आएगा, थ पठतः, ठीक है, तुम दोनों पढ़ते हो। मध्यम पुरुष की जो क्रिया आएगी वो मध्यम पुरुष के सर्वनाम के साथ आएगी, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन का है और मध्यम पुरुष की द्विवचन की क्रिया उसके साथ आएगी, तो युवाम तुम दो, ठीक है। और यूयम, यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, पढ़ते हो, यूयम क्रीडत, तुम सब खेलते हो, समझ में आ गई। त्वम युवाम यूयम, फिर उत्तम पुरुष खुद को, खुद के लिए क्या आएगा, अहम, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, अहम मैं, अहम पाठयामि, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, अहम पठामि, मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, अहम चलामि, मैं चलती हूँ या चल रही हूँ या चलता हूँ, ता हूँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो नहीं आए, देखा जाएगा इसमें दोनों के साथ एक जैसे लगेंगे। अहम गच्छामि, मैं जाती हूँ या जा रही हूँ या जाता हूँ या जा रहा हूँ, अहम क्रीडामि, मैं खेल रहा हूँ, अहम नृत्यामि, मैं नाच रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी धातु जो आपको, मैं अहम धावामि, मैं दौड़ रहा हूँ, अहम पश्यामि, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। आवाम हम दो, है ना, आवाम हम दो, अहम आवाम पठावे, हम दोनों पढ़ रहे हैं, आवाम गच्छावे, हम दोनों जा रहे हैं, आवाम चलावे, हम दोनों चल रहे हैं, आवाम नृत्यावे, हम दोनों नृत्य कर रहे हैं या नाच रहे हैं, आवाम पिबावे है, हम दोनों पी रहे हैं, जलम कर दो तो जल पी रहे हैं, वयम यानी हम सब, वयम गच्छामः है, हम जा रहे हैं, वयम पठामः है, हम सब पढ़ रहे हैं, वयम नृत्यामः है, हम सब नाच रहे हैं, ऐसे ही क्रिया आएगी, ठीक है। जिस पुरुष की, जिस वचन की क्रिया होगी उसी पुरुष और वचन का सर्वनाम होगा या कर्ता होगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये जो है त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष के हैं, अहम आवाम और वयम ये किसके हैं, उत्तम पुरुष के, ठीक है। और प्रथम पुरुष के सह तौ ते या सा ते ता ताहा और किसी का भी नाम वो किस में आते हैं, प्रथम पुरुष में। नेक्स्ट और देख लेते हैं कुछ, कह, कह पुल्लिंग के लिए आता है, कह कौ के, वह कौन, कह कह बालक, वह कौन बालक है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना, कह बालक वह कौन, सह कह वह कौन है, सह कह वह कौन है और कह वह कौन है, ये भी प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। कौ वे दो कौन है, तो तौ कौ वे दो कौन है, तौ कौ, है ना, जो ये प्रश्न बनाने के लिए कह कौ के कहा ये प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। और उनके साथ ये सर्वनाम हम जोड़ लेंगे, सह तौ ते वाले की, वह कौन है, वे दोनों कौन है, वे सब कौन है, ठीक है। के यानी वे सब, यानी ते के, ते का मतलब वे सब, के का मतलब कौन है, वे सब कौन है, इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग के लिए, का
सा का और प्रश्नवाचक लगा दो, वह बालिका, वह कौन है, ठीक है। सा का मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए पूछा जा रहा है, और का भी स्त्रीलिंग के लिए आता है, वह कौन है, क्या वह लड़की कौन है, के है ना, अकेला का से वह लड़की कौन है का अर्थ नहीं आता है। ये इसमें बताया गया है कि हम वह लड़की स्त्रीलिंग के लिए पूछने के लिए हम किम का शब्द रूप का प्रयोग में लाते हैं, के यानी वे दो लड़कियां कौन है, यानी जैसे ते के का मतलब वे दो कौन हैं, यानी किसके लिए पूछा जा रहा है, लड़कियों के लिए। कहा वे सब लड़कियां कौन हैं, कहा का मतलब वे सब कौन है, प्रश्न बनाने के लिए कह का किम का ये जो प्रयोग है ये किया जाता है, ठीक है। फिर किम नपुंसक लिंग में किम वह क्या है, किम यानी वह क्या है नपुंसक लिंग के लिए, ठीक है। के वे दो क्या है नपुंसक लिंग के लिए, कानी वे सब क्या है ना, ठीक है। जैसे पूछा तत् किम वह क्या है, दूर कोई चीज़ पड़ी है, तत् किम वह क्या है ना। ते के ठीक है, तत्ते तानी होता है ना, तो ते के वे दो क्या हैं, ठीक है। तानी कानी संति वे सब क्या है, इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। तो इनको आप चाहे धीरे धीरे लिखें, रोज़ की एक लाइन याद करें, अर्थ सहित इसको याद करें आप, ठीक है। फिर एक छोटा सा ही है, मम यानी मेरा, अस्माकम हमारा, तव तुम्हारा, युष्माकम तुम सबका, इनको भी आप याद कर लीजिए, ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।